भाई 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 आज सूरत दूसरी ओर से निकला है, 110% आज सूरत दूसरी जगह से निकला है। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। क्या हाल चाल मेरे शेरो, माउंटेन डे भाई। तो जैसे कि आप सब लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने अपनी पूरी सेना इकट्ठा कर ली थी, मैंने अपने दोस्तों को साथ में ले लिया था, बना लिए थे, मैंने अपने शेरों को पाल लिया था। मैं देखो ये अपने पास अब 5 शेर है, जो 5 शेर अपने साथ रहेंगे हमारी, हमें प्रोटेक्ट करेंगे ज़ॉम्बीज से। तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा थ्रिल होगा। तो आगे बढ़ने से पहले ही अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इसमें काफ़ी ज़्यादा हम बकचोदी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले तो देखता हूँ अपना बेड बना लेता हूँ। मुझे ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसके लिए मैं सबसे पहले बेड बना लेता हूँ अपने सोने के लिए। लेकिन वूल चाहिए होगा, तीसरा वूल तो है नहीं अपने पास। तो कोई नहीं, इधर से हम सबसे पहले अपना क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। वैसे भी ओ भाई साहब क्या ही मतलब व्यू है, वाह एक नंबर। इसी बात पे लाइक मार दो, लाइक ठोक ही दो। ओ सिट नहीं ब्रो, व्हाट द फक फक। आगे बढ़ ब्रदर, आगे बढ़। नहीं सबसे पहले मुझे आगे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं ब्रदर, वो डे टू में हमने जिस तरीके से सर्वाइव की थी, लगता है ये वाली नाइट भी हमें उसी तरीके से सर्वाइव करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे शेरों को कुछ ना हो, शेरों को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट रखना, इसकी आंखों में मुझे नहीं देखना है। शेरों तुम अपना ख्याल रखना प्लीज़, आप ही हो मेरे लास्ट होप हो आप ही। लेट्स गो शेरों, क्या हाल चाल शेर की सुबह इस तरीके से हो रही है। ये देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, नीचे की तरफ मेरे शेर अकेले हैं, भूखे हैं, और ये दानव जैसे राक्षस मेरी वेट कर रहे हैं कि मैं नीचे आऊं और ये मुझे चीर फाड़ के खा जाए। लेकिन नहीं, हम प्रोटेक्शन के साथ लड़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम पूरा के पूरे टूल्स डायमंड से पूरा का पूरा आर्मर बना लेंगे, डायमंड का, गोल्ड का, पूरा का पूरा हम आर्मर बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने शेर को कुछ खाना खिला देता हूँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत की है रात को मुझे प्रोटेक्ट करने में। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और इधर सब जितनी भी एक्सपी होती है वो उठा लेते हैं और चलते आगे की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये बारिश को मुझे स्टॉप करनी है, तो किसी भी हालत में मुझे ये बारिश को स्टॉप करनी है, मुझे ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है। देखो मतलब काफ़ी ज़्यादा इरीटेटिंग करती है, लेकिन कोई नहीं, इसको भी हम झेल लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मुझे एक सीप चाहिए होगी, क्योंकि मेरे पास अभी वूल की कमी और बेड की कमी है। एक बार मैं सो जाता हूँ तो ये बारिश ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। शायद से माइनक्राफ्ट का ये रूल है कि हम जैसे ज़्यादा दिन तक सोते नहीं है ना, तो बारिश ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो कोई नहीं चलते आगे की तरफ। सबसे पहले तो हम वापस से नई बायोम में चलते हैं, नए वाले टापू पे जाते हैं। अब इधर देखते हैं कुछ मिलता है। ओके सीप मिल गई भाई साहब, मारो भाई साहब। सीप सॉरी लेकिन मुझे वूल चाहिए होगा। ओके ये वाली तो वूल नहीं दे रही, इसको ही मार देते हैं। ओके सॉरी लेकिन मुझे आई नीड अ वूल। ओके दूसरी के भी ओके। अरे भाई साहब अपने पास तो यार शेर है, मैं क्यों डर रहा हूँ, मेरे साथ इतने तगड़े मेरे शेर है तो मैं मतलब फालतू में पॉकेट में मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। कोई नहीं सबसे पहले तो हम इधर से ये वुड उठा लेते हैं और ये वाला भी वुड उठा लेते हैं। हमें बनाना होगा बेड, बेड के लिए चाहिए होंगे प्लैंक्स और प्लैंक्स के लिए चाहिए होंगे हमें वुड। वाह वाह क्या ही मैंने जोक्स मारा है। चलो बेड रेडी हो चुका है, सबसे पहले तो मुझे इधर से नाइट करनी है। लेकिन यार ये डे हो रहा है और मैं नाइट नहीं कर सकता हूँ ब्रदर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे टाइम पास नहीं करना ब्रदर, पूरे का पूरा मैं टाइम पास कर रहा हूँ शेर, अब टाइम पास नहीं करना। चल तू आगे की तरफ चल, लेट्स फकिंग गो ब्रदर। ब्रेड बना ले और चल फाड़ डाल, यूट्यूब में सबके रिकॉर्ड तोड़ डाल। सिर्फ आप सपोर्ट करो मुझे, सिर्फ सपोर्ट करो, हम एक से एक रिकॉर्ड बनाएंगे। अब सबसे पहले मैं अपने शेरों को खाना खिला देता हूँ। चलो खाना, अरे भाई साहब ये तो पूरा पूरा भूखा है। अरे रुको मैं सबको एक एक दे देता हूँ, ऐसा ना हो कि सा एक ही को मैंने पूरा का पूरा खिला दूँ। अब लास्ट वाला है तो तेरे नसीब में खा ले बेटा तू। अरे भाई साहब ये तो क्या नसीब है, कुत्तों के पास भी गर्लफ्रेंड है।
अब चलो सबसे पहले मैं ये अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा दे और चलते आगे की तरफ। देखो मेरे पास क्या दिन आ चुके हैं, हमें वुडन क्या दिन आ चुके हैं, वुडन पिकेक्स से हमें अपना सामान उठाना पड़ रहा है। अब चलो सबसे पहले आगे की तरफ चलते। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई नई सी बायोम में आगे की तरफ बढ़े और कुछ नया देखने को मिले आपको और मुझे भी। मैं पक चुका हूँ स्नो को और ये पेड़ को देख देख के। तो चलिए फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब कुछ ओपन स्पेस देखने को मिला है और सामने की तरफ घर कुछ दिखाई दे रहे हैं। वाह भाई साहब, अंधेरे में एक हमें रोशनी की एक किरण मिली है। देखो विलेज मिला, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो विलेजेस होंगे जो हमारा अकेलापन दूर करेंगे। लेट्स गो, चलो 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 भाई साहब, मेरे शेरों किधर रह गए? चलो शेर मेरे, चलो 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 शेर मेरे चलो। सबसे पहले तो इसमें से देखते हैं कि मतलब सबसे पहले तो हम डे कर लेते हैं। मुझे ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इधर अपना रखते हैं बेड। ओके रख के अभी, ओके इधर अब यार कोई नहीं। चलो इधर से मैं सबसे पहले तो अपना अंदर की तरफ चलते हैं और चेस्ट बेस्ट देखते हैं। अपना रिस्पॉन मैंने सेट कर लिया, ले पास वाले घर में देखते हैं कुछ मिलता है तो। ओके इधर, ओके ये येलो वाला इधर ही अपना रिस्पॉन सेट कर देता हूँ मैं। सामने की तरफ चले, सामने की तरफ पक्का विलेजेस होगा। अरे क्या बोलूँ मैं, मतलब विलेजेस है ही नहीं, मतलब इधर एक बंदा भी नहीं है। मुझे लगा कुछ तो होगा, एटलीस्ट काउ तो होगी, बदुड़ी तो होगी, इधर तो वो भी नहीं है। ये चेस्ट खाली, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आया क्यों इधर, क्यों आया मैं इधर, क्यों क्यों आया मैं सबसे पहले इधर? कोई कुछ भी जुगाड़ करिए, मुझे ये बारिश बंद करनी पड़ेगी, लेकिन ये हो ही नहीं रही। अब चलो सबसे पहले डे होने से पहले मैं घर में देख लेता हूँ कि एटलीस्ट मुझे होप है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये वाले हाउस में भी चेस्ट नहीं है तो कुछ नहीं भाई, ये वीट उठा लेते हैं। कोई नहीं यार, कुछ नहीं मिला इसमें यार, क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं मिला इसमें तो। और चलो अब नाइट हो रही है, अब सबसे पहले मैं डे कर लेता हूँ, आगे का काम डे में करेंगे। मॉर्निंग मेरे शेरो, क्या हाल सब पीके, हाउ आर यू ऑल? चलो आज के डे में तो एटलीस्ट कुछ अच्छा हो जाए। ये यार पता नहीं बारिश क्यों बंद ही नहीं हो रही है, और वो तो छोड़ो, ये विलेज में एक बंदा नहीं है। सोचो सिर्फ अभी एक बंदा नहीं है, मुझे लगा कुछ तो मिलेगा इसमें, ना मुर्गी ना काऊ ना सीप ना चेस्ट भी। यार मैं इतनी पन्नौत, ये चेस्ट भी पूरी पूरी खाली मिल रही है हमें। अब चलो ये घंट बजा के एक विलेजर्स हो भाई, आजा भाई आजा प्लीज़ प्लीज़, पर पेड़ पड़ता हूँ मैं ये शेरों के साथ कितने दिन घूमूंगा। लेकिन कोई नहीं, ये शेर मेरे वफादार, वो मेरे साथ ही रहेंगे, कोई नहीं। चलो ये वाले हाउस तो मैंने देख लिया था, पिंकू इधर भी पिंकू है, अपने मीट इस लाइव के वर्ल्ड में भी पिंकू है। मीट इस लाइव के वर्ल्ड के आपने वीडियो नहीं देखे तो जाओ जाके देख लो। इधर से मैं अपना सबसे पहले बेड उठा लेता हूँ और चलते हैं। और सबसे पहले मैं जाने से पहले ये जितने भी वीट है मतलब वीट ब्लॉक है वो उठा लेता हूँ। वीट ब्लॉक से हमें 9 मिलते हैं वीट, इतना तो मुझे भी पता है। ओके अब धीरे धीरे करते करते हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जितने भी वीट ब्लॉक है वो उठा लेते हैं। ओके तो गाइस जितने भी वीट ब्लॉक थे वो मैंने उठा लिए, देखो 23 है। ओ भाई साहब 100 से भी ज़्यादा वीट तो हमारे पास आ चुके हैं। इधर फार्म है, ओके इधर भी वीट ब्लॉक है, उठा ही लेते हैं। वैसे भी हमारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होगी क्योंकि ये हमारा डे 6 है और डे 6 में ही अपने पास खाने के लिए मतलब स्टोरेज इकट्ठा करते रहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड होती है तो अच्छा रहेगा, लास्ट में हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलो ये वाले घर में देखते हैं, इस वाले घर में तो पक्का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अरे भाई साहब गेट किधर इसका? चलो खुल जा सिम खुल जा सिट पक्टी सिट, क्या बोलूं मतलब मैं क्या ही बोलूं। स्नो लैंड में गया, उधर मेरे पास पोलर बियर पड़ गया, तो उधर से निकल के मैं ये ट्री वाले बायो में आ गया। ट्री वाले बायो में मेरे पीछे ज़ॉम्बीज पड़ गए, तो वापस स्नो बायो में से निकला, तो ये वाले विलेज में फंसा। विलेज में आया तो कुछ एक बंदा ही नहीं, तो फाइनली
फाइनली इधर से ये वाली बारिश की जो झंझट थी वो तो पूरी पूरी हमारी मिट चुकी है। और लास्ट वाला जो हाउस है उसमें भी देख लेते हैं, उसमें भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखना, उसमें भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। OMG भाई साहब, ये क्या मतलब डायमंड गोल्ड, मतलब रुको, ये मेरी रुको, डायमंड सनग्लास, डायमंड की स्वॉर्ड, बेड, आयरन, ब्रश, सर्व, टॉर्च लाइट, वाइट वूल, सडल, डायमंड आर्मर, 26 गोल्ड, वाटर बकेट, और ये मतलब ओ भाई, आज सूरत दूसरी ओर से निकला है। 110% आज सूरत दूसरी जगह से निकला है। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। मतलब पूरा विलेज एम्प्टी, सिंगल पर्सन नहीं, एक विलेजर नहीं इस गांव में। और लास्ट वाले हाउस में इतना बड़ा खजाना हमें मिला। भाई साहब सैल्यूट है। चलो मैं सबसे पहले अपना आर्मर पहन लेता हूँ, ये डायमंड का आर्मर पहन लेता हूँ, मुझे ये आर्मर चाहिए ब्रदर। ओ भाई साहब, डे सेवन लकीएस्ट। चलो मैं सबसे पहले अपना पूरा आर्मर बना लेता हूँ अपने पास, अब सुरक्षित। मतलब अपने को सबसे पहले तो डे 100 तक सर्वाइव करना है, वो भी कुछ एक भी बार रिस्पॉन के बिना। इसीलिए सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ अपने पास डायमंड के ये बना लेता हूँ, पेंट बना लेते हैं अपना प्रोटेक्शन के लिए चलता है। और अपने पास वैसे भी टूल्स नहीं थे तो बना ही लेते हैं। आयरन को मैं थोड़ा कम यूज़ करूँगा क्योंकि मतलब पता है मुझे डायमंड और गोल्ड का कम यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आयरन का थोड़ा कम यूज़ करता हूँ क्योंकि फर्नेस के लिए हम नेदरलैंड में जाएंगे, उधर हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और डायमंड तो हमारे पास 35 है ही और 11 गोल्ड भी है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो चलो सबसे पहले मैं अपनी सील दौड़ी है सब हम अपने टूल्स बना ले। फाइनली अपने जो टूल्स थे वो तो मैंने रेडी कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम हेलमेट पहन लेते हैं, पेंट पहन लेते हैं, बूट पहन लेते हैं और ओके रेडी हो चुके हैं हम। भाई साहब क्या ही मतलब व्यू है, एक नंबर। तो चलो सबसे पहले तो मैं वापस से अपने सो जाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी क्रीपर आए और मेरे पास में आके फट जाए। उससे अच्छा सबसे पहले अपना डे ही कर लेते हैं। सीट भी मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ, इधर अपना डे कर लेते हैं। वेलकम टू डे 9, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपने शेरों भी अच्छे हैं, देखो अब सबसे पहले तो हम आगे की तरफ इस साइड में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4 चलो आगे। भाई साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक जगह पे पूरा का पूरा खजाना मिल गया और इधर मुझे रूइन पोर्टल मिल गया। अपनी तो लग गई अच्छे वाली, इसको पूरी की पूरी हम रूइन पोर्टल को लूट लेंगे, एक भी बाकी नहीं रखेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, साइलेंट, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ये साला वापस ये आ गया, पनौती साला बारिश पे लेके आ गया साथ में। अब इधर से जल्दी निकलना पड़ेगा। और अपना टोमी, ओके सभी के सब टोमी साहब, ओके ये भी आ गया राक्षस मुझे मारने के लिए। लेकिन अपना शेर है मेरे साथ, शेर ये चेस्ट को वापस खोल के मुझे जख्मों पे मर्म नहीं लगाना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओ भाई साहब बिजली चमक रही है, भाई भागना पड़ेगा। ओ भाई पीछे की तरफ तो देखो जोम्बीस पड़े हैं। चलो आगे की तरफ, भाई रक्षा करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जबलो चलो 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 ब्रेड ओ नहीं, मेरे शेर को कुछ नहीं होना चाहिए यार। क्रीपर
स्केलीटन ज़ॉम्बी सब अटैक कर रहे हैं, बोट बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। अरे 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 मेरे पास प्लैंक्स नहीं है, रुको 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 रुको, प्लैंक्स बना लो। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बेड हो चुकी है, स्पेस नहीं है ब्रदर, स्पेस बना, हाथ में ले बोट और भाग इधर से, भाग। ओ नहीं, चारों तरफ मेरे दुश्मन आ चुके हैं, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन हो चुके हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ दुश्मन हो चुके हैं। मुझे अपनी बोट डाल के इधर से निकलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए इधर डाल अपनी बोट और भाग पकिया भाग जा इधर से, निकल ले धूम धमा के निकल ले। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बेड हो चुके, तो आज के वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वाले वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने, मम्मी पापा के ड्रीम्स पूरी करने हैं, शेयर करो, कोई नहीं हम बड़े से बड़े यूट्यूबर बनेंगे और सबको एंटरटेनमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।